नमस्कार दोस्तों, रचना की रसोई में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को मेरी ओर से गणपति चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गणेश जी को जो कि लड्डू का भोग लगता है, तो आज हम उन्हीं के लिए स्पेशल बना रहे हैं चूरमा के लड्डू। जी हाँ दोस्तों, ये बनाना एकदम आसान है। इसके लिए मैंने यहाँ पे जो सामग्री ली है वो मैंने लिया है यहाँ पे गेहूं का आटा, और ये थोड़ा सा मोटा वाला आटा होता है, मतलब ये थोड़ा सा बारीक, जो जनरली हम रोटी वाला लेते हैं वो नहीं है, ये थोड़ा सा बड़ा आटा इसे बोला जाता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो इसकी जगह आप इसमें रोटी वाले आटे में आप सूजी भी मिला सकते हैं। ये करीब मैंने लिया है 3 कटोरी के करीब मैंने यहाँ पर ये आटा लिया है। साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है ये गुड़। ये दोस्तों मेरे पास देसी गुड़ था, अगर आपके पास वो व्हाइट वाला गुड़ होता है जो केमिकल वाला होता है तो उसमें मिठास थोड़ी कम होती है, इसमें मिठास ज़्यादा होती है, देसी गुड़ है। ये मैंने 2 कटोरी के करीब लिया है। साथ ही मैंने यहाँ पर लिए हैं ड्राई फ्रूट्स, ये ऑप्शनल है, आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे काजू, बादाम, किशमिश, चारोली, इलायची, ये सब लिया है, ये आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पे आप देख रहे हैं कढ़ाई में मैंने घी गरम रखा है, क्योंकि पहले हम आटे में घी का मोल डालेंगे और वो घी गरम होना चाहिए, तभी वो अच्छे से एकदम दानेदार बनते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये घी गरम रख दिया है। ये मैंने 4 चम्मच घी गरम रखा है, बड़ी 4 चम्मच घी गरम रखा है। अब ये घी गरम हो चुका है, मैं इसे आटे में डाल देती हूँ। ये देखिए दोस्तों, गरम गरम घी ही आपको इसमें डालना है, क्योंकि हम इसके मुठिये बना कर और फिर उसको घी में फ्राई करके और फिर बनाएंगे। तो ये मोइन के लिए जो डालते हैं वो मैंने इसमें घी डाला है, अभी गरम है, आप एकदम से हाथ नहीं डाले, उसके ऊपर थोड़ा सा आटा ऐसे डाल दें और धीरे धीरे करके उसे मिलाएं। इस घी को आटे में अच्छे से मिक्स कर दीजिए, उसके बाद हम इसमें पानी से इसे गूंथेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पर पूरा जो घी डाला था हमने गरम गरम घी, वो अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये आपको इतना घी इसमें डालना है कि जैसे आप इसे बांधते हो तो ये ऐसे अच्छे से इसमें मुठिये बन जाते हैं इसके। दोस्तों, अगर आप मोइन अच्छा डालेंगे तो ही आपके लड्डू अच्छे बनेंगे। फिर उसमें क्या होगा कि आपको बाहर ज्यादा घी नहीं डालना पड़ेगा, जब हम गुड़ घी मिलाएंगे तब ज्यादा घी नहीं डालना पड़ेगा, अगर आपने अंदर ही इसमें अच्छे से घी डाल दिया तो। और ये सिकेंगे भी अच्छे अंदर से अगर घी ज्यादा रहेगा। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ पानी कैसे डालना है इसमें। ऐसे हाथ में लेके आप ऐसे सब दूर ऐसे मिला दीजिए और धीरे धीरे ऐसे आटे को आप मिलाते जाइए, क्योंकि हमें इसे आटा जैसा नहीं गूंथना है, इसके हमें छोटे छोटे मुठिये बनाना है और उसे हम घी में फ्राई करेंगे। तो पानी इसमें बहुत कम जाता है। ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसे मिला दिया, इसमें पानी डाल दिया है। अब आप देख रहे हैं ये ऐसे अच्छे से, एक बार आप ट्राई कर लीजिए, ऐसे अगर अच्छे से बन रहे हैं और अगर ये टूट रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और मिला लीजिए। मैं इसमें थोड़ा पानी और डाल रही हूँ। देखिए आप, इस तरीके से आपको आटा रखना है, ना ही एकदम टाइट रखना है और ना ही एकदम सॉफ्ट करना है, बस आपको ये जैसे आप ये तोड़ रहे हैं, ये मैंने इसमें से ये एक बाउल, देखिए मैंने तोड़ा है इसमें से, और फिर देखिए इस तरीके से आपको इसे बनाना है। ये देखिए आप ऐसे हाथ में लेके इन उंगलियों से इसको ऐसे दबा देना है, जिससे इसमें
इसकी सिकाई प्रॉपर होगी, ये अंदर से भी बिल्कुल कच्चे नहीं रहेंगे। इस तरीके से आप छोटे छोटे ये बना लीजिए। और साथ ही मैंने इधर कढ़ाई में घी गरम रख दिया है इन्हें तलने के लिए, वो गरम होता है तब तक हम ये बना लें। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको इसे फ्राई करना है। ये आपको दिख रहा है गोल्डन ब्राउन ये हुआ है, बस ये कड़क हो चुका है और अंदर से भी पूरा ये अच्छे से सिक चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं और इसी तरह आप सारे जो हमने बनाए हैं मुर्गी उन्हें आप फ्राई कर लीजिए। देखिए जब ये गरम गरम है तभी आप इसे ऐसे किसी भी चीज से, मैंने बेलन लिया है, हल्के हल्के हाथ से ऐसे तोड़ लीजिए। एकदम पूरा नहीं तोड़ना है, इसे हम अभी मिक्सर में पीसेंगे। उससे पहले आप इसे इस तरीके से थोड़ा थोड़ा ऐसे तोड़ दीजिए। एकदम हल्के हाथ से आप करिए ये। थोड़ा ठंडा हो जाएगा फिर हम इसे मिक्सर में ग्राइंड करेंगे। मिक्सर के जार में ये डाल दिए, थोड़े ठंडे भी हो चुके हैं ये। अब हम इसे क्रश कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, बस आपको एक ही बार इसको हल्का सा चलाना है और ये देखिए इस तरीके से पूरा आपका ये दानेदार पूरा बन जाएगा। अब आप इसे किसी बाउल में खाली कर लीजिए। ये देखिए आपको पूरा एकदम दानेदार ये जो इसका पूर होता है वो दिख रहा है आपको। इसी तरीके से आप बाकी सब भी मिक्सर में ही क्रश कर लीजिए। आपको ज्यादा मिक्सर को नहीं चलाना है, एकदम उसे आटे जैसा बारीक नहीं करना है, हल्का सा बस एक सेकंड के लिए आप उसको चलाएंगे तो वो बन जाएगा। और बीच में आप चेक कर लीजिए एक बार, ज्यादा उसे मत चलाइए। अब मैं बाकी सब भी इसी तरीके से क्रश कर लेती हूँ। देखिए दोस्तों पूरा मैंने ये पीस के तैयार कर लिया है। अब हम इसे हल्का सा सेकेंगे बस ऐसे ही, इसमें कुछ भी घी वगैरह नहीं डालेंगे अभी, क्योंकि ये जो हमने इसे मिक्सर में क्रश किया है तो थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर आ जाता है, वो गर्म रहता है इसलिए थोड़ा इसमें मॉइस्चर आ जाता है, जिससे ये थोड़ा गीला गीला लगता है जब लड्डू बन जाते हैं उसके बाद, तो वो इसका जो हल्का सा कच्चापन जो रहता है वो अच्छे से इसको सेकने पे निकल जाएगा। तो बस हमें इसे हल्का सा सेकना, एकदम सेम लो पे आप इसे सेकेंगे। ये देखिए अभी जो हमारा घी था जो हमने अभी इसमें फ्राई किए उसमें घी, कढ़ाई में घी, उसी में मैं ये ड्राई फ्रूट थोड़े से सेक रही हूँ। आप चाहे तो ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी ये थोड़ा मॉइस्चर का सीजन रहता है तो इसलिए थोड़े आप उनको फ्राई करके डालेंगे तो उससे टेस्ट आपका अच्छा आएगा। तो ये काजू और बादाम दोनों मैं इसमें फ्राई कर रही हूँ थोड़े से। फ्रूट आप अच्छे से इसमें मिला लीजिए, क्योंकि दोस्तों जब हम इसमें गुड़ डालेंगे तो हमें तुरंत इसे बनाना पड़ेगा, इसलिए ये सब आप प्रोसेस पहले कर लें तो ये बनाना आसान हो जाएगा आपके लिए। इसमें मैंने इलायची, काजू, बादाम, किशमिश, चारोली सभी को मैंने डाल दिया है। अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए। अब हम इसमें गुड़ डालेंगे। जो हमारा आटा था लड्डू बनाने वाला वो रेडी हो चुका है। अब इतना जो आटा है इसके लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई में 5 बड़े चम्मच घी डाला है और साथ ही में अब मैं ये गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें गुड़ डाल रही हूँ। इसे मैंने पहले अच्छे से तोड़ लिया था ताकि इसमें फटाफट हो जाएगा, इसमें फटाफट मेल्ट हो जाएगा। ये आपको गैस एकदम सीम पर ही रखना है।
बस अगर आप शक्कर वाले बनाना चाहते हैं तो बस इसी स्टेज पे जब हमने ड्राई फ्रूट मिलाए उसी समय आप इसमें शक्कर का बूरा मिला दीजिए और फिर घी गरम करके डाल दीजिए। लेकिन गणेश जी को गुड़ का भोग लगता है इसीलिए मैं गुड़ के बना रही हूँ चूरमे के लड्डू, और ट्रेडिशनली गुड़ के ही बनते हैं चूरमे के लड्डू। ये हमें इसे गुड़ को बस इतना ही जितना मेल्ट हो जाए इतना ही देर इसे घी में गरम करना है, ज्यादा आपको इसे कड़क नहीं करना है। पूरा गुड़ आपका इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाना चाहिए। कुछ भी इसमें उसके गुड़ के डल्ले नहीं रहना चाहिए। ये देखिए आपको दिख रहा है पूरा गुड़ एकदम एक जैसा मिक्स हो चुका है। ये हमारा गरम हो चुका, अब इसमें ये बबल्स देख रहे हैं, बस इसी स्टेज पे आपको इसे मिला देना है। ये जो बबल्स आ रहे हैं बस इससे ज्यादा आपको इसे कड़क नहीं करना है। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और इसे फटाफट से हम आटे में मिला देते हैं। आप गरम गरम वही अच्छे से फटाफट मिला दीजिए। दोस्तों इसमें घी थोड़ा अगर ज्यादा होता है तो अच्छे लगते हैं, देख रहे हैं आप जैसे यहाँ पे, क्योंकि लड्डू बनने के बाद थोड़े से ये ड्राई हो जाते हैं तो आप इस समय आपको घी थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन आप जब इसे बनाएंगे तो ये थोड़े से ड्राई हो जाएंगे क्योंकि हमने इसमें आटा डाला है तो आटा थोड़ा घी सोख लेता है। ये देखिए इस तरीके से आपको इसे पूरे अच्छे से मिला लेना है। अब ये गरम गरम के ही आपको लड्डू बनाना है। इस तरीके से आप थोड़ा ये गरम ही अभी गरम गरम में ही आप बनाएंगे तो ये सही बनेंगे, ठंडा होने के बाद फिर वो लड्डू नहीं बन पाएंगे। तरह से आप छोटा बड़ा जो भी शेप देना चाहें आप दे सकते हैं। सारे लड्डू आप इसी तरह से बना लीजिए। तो लीजिए दोस्तों तैयार है आपके लिए गुड़ के चूरमा लड्डू। जी हाँ दोस्तों, गणेश जी को भोग लगाइए और आप भी सब खाइए। बनाना भी एकदम आसान है और दिख भी आपको एकदम बढ़िया रहे हैं ये। दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।